फरीदाबाद में एक रोडवेज का मामला सामने आया है, जहां पर दो गाड़ियों की टक्कर के बाद कुछ लोगों ने एक निजी स्कूल के मैनेजर को अपनी गाड़ी के बोनट पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक फरीदाबाद में घुमाया और बाद में पीड़ित मैनेजर की पिटाई भी की। इसमें हैरानी वाली बात तो ये है कि इस 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ना तो पुलिस का नाका दिखाई दिया और ना ही किसी तरह की पेट्रोलिंग दिखाई दी। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि फरीदाबाद की कानून व्यवस्था कितनी चरमरा चुकी है। आपको बता दें कि ये वीडियो फरीदाबाद का है, जहां शनिवार को दो गाड़ियों में टक्कर होने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने टक्कर मारने वाली गाड़ी का पीछा किया और जब पुल के पास गाड़ी को रोका तो इन लोगों ने पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को अपनी गाड़ी के बोनट पर घुमाते रहे और बाद में पीड़ित की पिटाई कर गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। मैं स्कूल में वर्किंग हूँ, मैं वहाँ से जा रहा था अपनी वाइफ को लेने के लिए ऑफिस, तो बाईपास रोड पर सेक्टर 8 फरीदाबाद के पीछे जो इंडियन ऑयल आता है 12 सेक्टर में, वहाँ पे मेरी गाड़ी पे पीछे से हिट किया एक स्विफ्ट सिल्वर कलर गाड़ी ने, जिसका नंबर था HR30N3675 और वो गाड़ी हिट करने के बाद वहाँ से भागी। मैंने उस गाड़ी को काफ़ी बार रोकने की कोशिश की और उन लोगों को, पर वो नहीं रुके और वो रेड लाइट पर 12 सेक्टर रुके, मैंने उनका पीछा किया। उस जगह पर जब मैं उनकी गाड़ी की फ़ोटो फुटेज लेना चाह रहा था और अपने कुलिक्स को फ़ोन कर रहा था, उस समय उन्होंने वहाँ से गाड़ी भगाई जो कि मैं गाड़ी के सामने खड़ा था और हिट किया मुझे ज़ोर से और मैं बोनट के ऊपर गिर गया। बोनट के ऊपर गिरने के बाद वो मेरे को BPTP की तरफ ले गए चौक बाईपास से और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हुए वो एडोर के वहाँ पर रुके। वहाँ पे 4 बंदों को उन्होंने उतारा, मेरे साथ हाथापाई की। हाथापाई के बाद वो वहाँ से अकेला ड्राइवर गाड़ी को दोबारा भगाने की कोशिश की, मैंने दोबारा रोका गया, आपने वीडियो में देखा है। जो पीड़ित शनिवार को ही अपनी शिकायत लेकर खेड़ी पुलिस चौकी पहुंचा, लेकिन वहां की पुलिस ने इस मामले को अपना एरिया में ना बताते हुए पीड़ित को दूसरे इलाके के थाने में भेज दिया, जिस वजह से मामले को दर्ज होने में 2 दिन लग गए। इतना ही नहीं, जो गाड़ी आरोपी छोड़कर भागे थे वो पुलिस के कब्जे में है, जिसके बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है, जिससे पीड़ित पक्ष काफी दुखी है। फरीदाबाद से न्यूज के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।